अच्छा अब हम लोग जनरल मैकेनिज्म के बाद बकायदा तौर पर इसके रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला रिएक्शन हमारे पास मौजूद है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड। आपने सोडियम सल्फेट का नाम सुना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4। यहां पर सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3। ठीक है, अब मैकेनिज्म समझ आ गया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली समझ लग जाए। अच्छा अब देखिए, ये है सोडियम बाइसल्फाइड। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में सोडियम बाइसल्फाइड की होगी आयोनाइजेशन। सोडियम बाइसल्फाइड की क्या होगी? जब आयोनाइजेशन होगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये एच पॉजिटिव आयन बनकर सेपरेट हो जाएगा, एच पॉजिटिव आयन बनकर। और इतना जो हमारे पास रेडिकल बचा है इस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल क्या चार्ज होगा? देखो इसमें जो सोडियम है सिर्फ वो ही ऐसा एटम है जो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर सकता है बिकॉज इट इज अ मेटल। बाकी ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। तो ओवरऑल इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन बन गया और तो हमारा ये जो SO3Na है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब कार्बन पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक। और इसका एक इलेक्ट्रॉन पर किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये SO3Na इसके साथ अटैक। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऊपर एच पॉजिटिव आयन बना था वो एच पॉजिटिव आयन ये ऑक्सीजन खींच लेगा और ये इसके साथ अटैक। समझ आ रही बात की? उसके बाद रिएक्शंस हैं, तीन रिएक्शंस दिए हुए हैं। ये आपके पास है कंपाउंड एल्डिहाइड, उसके बाद इसको आपने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिला दिया। ये वाला एच किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और SO3Na इसके साथ अटैक। इसी तरीके से ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है, ये वाला ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट कर लेगा? एच को। ये OH बन गया और बाकी आपके पास क्या बचा है? SO3Na, वो इसके साथ आता है। इज इट ओके? और अगर आपके पास एसीटोन हो तो एसीटोन का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और आप इसको मिला दें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि दोनों मिथाइल ग्रुप एज इट इज